ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उपमंडल घुमारवीं के तहत आने वाली मोरसिंगी पंचायत के मोरसिंगी के अजय कुमार को 18 अगस्त को उसकी ताई द्वारा सुबह के समय उस पर कुछ गर्म पानी फेंकने का आरोप लगा था। लड़का उस पानी से इतना जल चुका था कि जैसे लड़के पर कोई केमिकल फेंका हो। पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है। उपमंडल घुमारवीं के तहत आने वाले बली मोरसिंगी पंचायत के मोरसिंगी के अजय कुमार को 18 अगस्त को उसकी ताई द्वारा सुबह के समय उस पर कुछ गर्म पानी फेंकने का आरोप लगा था। लड़का उस पानी से इतना जल चुका है कि लगता है कि जैसे वो कोई केमिकल हो। ज्ञात सूत्रों से भी यही पता चला है कि 18 अगस्त को सुबह जब बच्चा अपने आंगन में खड़ा था तो उसकी ताई द्वारा उस पर कोई गर्म पानी की तरह कोई चीज फेंकी गई थी। जिन लोगों ने उस लड़के को देखा था उनका कहना है कि उस समय इसके कपड़ों से भी धुआं उठ रहा था और उसकी चमड़ी पूरी तरह जल चुकी थी। लोगों ने जैसे तैसे करके उसे घुमारवीं हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां पर घुमारवीं पुलिस ने आरोपियों पर केस तो दर्ज कर लिया, मगर जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो उसकी माँ बचपन से ही गूंगी और बहरी है, जिस वजह से पुलिस असली कहानी तक नहीं पहुंच पा रही है और FIR में मात्र गर्म पानी की रिपोर्ट के आधार पर इस केस को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन पीड़ित लड़के की हालत बहुत नाजुक है, जो इतनी बुरी तरह से जल चुका है। इतने दिन बीत जाने के बाद अभी तक भी रिपोर्ट पुलिस के हाथ नहीं लगी है, जिसके लिए पीड़ित का परिवार अब बीटिया फाउंडेशन से न्याय की गुहार लगा रहा है। इस बारे में बीटिया फाउंडेशन की प्रदेश अध्यक्ष सीमा संख्यान ने कहा कि पीड़ित परिवार ने बीटिया फाउंडेशन से न्याय की गुहार लगाई है। बीटिया फाउंडेशन की टीम जिला हॉस्पिटल में पीड़ित अजय कुमार से मिली और उसकी हालत देखी, तब मामले में बीटिया फाउंडेशन ने कड़ा संज्ञान लिया है। फाउंडेशन के अध्यक्ष सीमा संख्यान ने वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि यदि आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी नहीं हुई तो बीटिया फाउंडेशन विभिन्न सामाजिक संस्थानों और आम जनता सहित घुमारवीं पुलिस और प्रशासन की ओर विरोध प्रदर्शन करेगी, जिसका जिम्मा प्रशासन का होगा। सीमा संख्यान ने SP बिलासपुर साक्षी शर्मा से न्याय की मांग की है, ताकि जो भी दोषी इस केस में है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। फाउंडेशन के पास एक नया मुद्दा आया है। एक बेजुबान माँ जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, उसके बेटे को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। हैरानी की बात है, आज हिमाचल में ऐसी ऐसी वारदातें हो रही है कि हमें खुद को यकीन कर पाना मुश्किल है। घुमारवीं जिला बिलासपुर के घुमारवीं उपमंडल के मोरसिंगी गांव से एक बेटा जिसका नाम अजय कुमार है, जिसकी उम्र 21 साल है, उसको उसी के घर के सदस्यों ने जिंदा जलाने की कोशिश करी है। आखिर क्यों? ये सिर्फ जमीनी विवाद को लेके, जमीनी मुद्दे को लेके। अजय कुमार का एक और बड़ा भाई था जिसकी भी अचानक मौत हो गई है। ये रहस्य अभी तक बना हुआ था। आखिर क्यों? क्योंकि उनका परिवार बोलने लायक नहीं है, उनका परिवार लड़ने लायक नहीं है, इसलिए शायद उनके साथ ही ऐसा हो रहा है। क्या आज हमारी जिंदगी से बड़ी हमारी जमीन होगी, हमारी जायदाद होगी, हमारा पैसा हो गया? इसी तरह से अगर इस पहलू को देखा जाए तो आज अजय बिलासपुर हॉस्पिटल में दाखिल है, उसका इलाज चल रहा है पिछले 15 दिनों से। और जब तहकीकात में पाया गया तो पहले तो ये सामने आया कि पुलिस ने ये रिपोर्ट दर्ज कर ली कि उस पर गर्म पानी डाला गया है। लेकिन आप लोगों के सामने हम कुछ तस्वीरें शेयर करेंगे, उनको देखने से आप लोग भी समझ जाओगे कि क्या सिर्फ वो पानी से जलने के निशान है या पानी से जलने के जख्म है। तो वह जख्म किसी केमिकल के हैं, किसी तेजाब से जलने के हैं, जो कि आज उस बच्चे के शरीर पे दिख रहे हैं। वो बच्चा कहाँ रहा है?